गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉन्ग से विज्ञान कक्षा 8 के लिए मैं विज्ञान का अध्यापक पाठ नंबर लेसन नंबर 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत सावित्र को न छुए, यानी विद्युत उपकरण को न छुए। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत सावित्र को छूना क्यों खतरनाक है? हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं। इसके विपरीत, जो पदार्थ अपने से होकर के विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक संपरीक्षित टेस्टर बनाया था। क्या आपको याद है कि हमें इसे सुनिश्चित करने में संपरीक्षित ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? हमने देखा कि धातुएं जैसे तांबा तथा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तथापि अभी तक हमने अपने टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की है जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए ज्ञात करें, क्या द्रव्य विद्युत चालन करते हैं? यह जांच करने के लिए द्रव्य अपने से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम उसी संपरीक्षित यानी कि टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का प्रयोग उपयोग करेंगे। सेल के स्थान पर काय का प्रयोग करेंगे? बैटरी का। संपरीक्षित का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे यह कार्य कर रहा है या नहीं, ये आपका जो टेस्टर है संपरीक्षित ये काम करता है कि नहीं करता है, इसकी भी अपन जांच करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से संपरीक्षित के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही संपरीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है, हो जाना चाहिए। तथापि यदि बल्ब दीप्त मतलब होता है जलना, दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है संपरीक्षित कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या वाल्व फ्यूज हो गया हो, अथवा आपने सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए कि संपरीक्षित कार्य कर रहा है या नहीं। यदि यह अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। इस प्रकार जब संपरीक्षित भलीभांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। चेतावनी जो वार्निंग है आप लोगों के लिए वो ये है कि अपने संपरीक्षित की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्रित करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने संपरीक्षित को इस ढक्कन के समीप ला करके उसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए
कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेमी से अधिक दूरी पर न हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी न करें। क्या सन परीक्षित का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू को रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? नींबू के रस। जब सन परीक्षित के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होता है हो देता है तो सन परीक्षित का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव्य विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता तो सन परीक्षित का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होगा। कुछ स्थितियों में द्रव्य के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त न हो। ऐसा क्रियाकलाप 14.2 से भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आपको यह याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रभावित होने पर यह दीप्त क्यों हो जाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर के दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता। अतः यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव है कि धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता, जिसके कारण सन परीक्षित का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी इसमें प्रभावित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य सन परीक्षित बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक अन्य सन परीक्षित बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विशेष विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संप्रेक्षित बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप 14.3 में देखते हैं। 14.2 के अंतर्गत संप्रेक्षण में विद्युत बल्ब के स्थान पर LED यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं। LED दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाता है, यानी कि ये विद्युत धारा कम होती है तब भी ये दीप्त हो जाता है। LED के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए, LED को किसी परिपथ में जोड़ते समय उसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का। माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकालिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत धार तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देंगे। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे से स्पर्श करेंगे। केवल एक सेकंड के लिए आप उसको स्पर्श करेंगे। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरीक्षित टेस्टर तैयार है। अब इस संपरीक्षित का उपयोग करके क्रियाकलाप 14.2 को दोहराया जा सकता है। क्या संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपको चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है? सन परीक्षित के सिरों को नींबू के रस से बाहर
निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए और पोंछ करके सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के स्थान के साथ दोहराया जा सकता है। प्रत्येक द्रव का प्रशिक्षण करने के पश्चात सन परीक्षित के सिरों को जल में धोकर तथा पोंछ करके सुखाना अवश्य याद रखिए। प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विशेष विक्षेप दर्शाती है अथवा नहीं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 14.1 में रखिए। चौदह पॉइंट में हम देख चुके हैं कि जब सन परीक्षित के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो संभवतः एक उनके बीच की वायु हो। पहली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक है, परंतु उसने यह भी पढ़ाया कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर के मुझे भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालक की श्रेणी में रखे गए पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने विद्युत को प्रभावित करते हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने को आर्थिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया, आइए अब आसुत जल द्वारा विद्युत धारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। नमक जो है विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। जो जल हमें नलों, हैंडपम्पों, कुओं, तालों, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, उसमें अनेक लवण घुले हुए होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो वह उसे अच्छा चालक बना देता है। वे कौन से अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर अच्छे हमें चालक बना देते हैं, आइए बताएं। अगले क्रिया का आपको अपने अध्यापक, माता पिता अथवा किसी वयस्क व्यक्ति की देख में करिए, क्योंकि इसमें अम्ल का प्रयोग होता है। क्रियाकलाप 14.5। बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मिलाइए। अब दूसरे ढक्कन में आसुत जल के कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए। तीसरे ढक्कन के आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डाल करके घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है, कौन सा नहीं, आपको क्या परिणाम प्राप्त होता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों में विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन में प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन से कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कक्षा 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में भी सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होता है तो क्या प्रभाव होता है, बनाइए, आइए जानकारी करते हैं। क्रियाकलाप यानी प्रैक्टिकल नंबर 14.6। 2 बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़े निकालिए। आपने देखा होगा सेल के मध्य में एक ऊपर टोपी होती है, तो वो टोपी ना होकर के एक पूरा सेल होता है, सेल के ऊपर वो टोपी लगी हुई होती है। जब हम सेल को खोलेंगे तो उसमें से वो टोपी सहित एक लंबी काली पेंसिल सी निकलेगी। जिस उन
उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटी और उन्हें एक बैटरी से जोड़ ली। इन दो जोड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। कार्बन की छड़ों के ये धातु की टोपी है, देखिए कार्बन की छड़ है, कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेमी लंबी लोहे की कीले भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भर करके साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियाँ जल से बाहर रहे। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या आप इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? कक्षा 7 में की गई पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तनों की परिभाषा दीजिए। सन 1860 ईस्वी में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम्स निकलस ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की गई जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर उपस्थित होते हैं। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव है। बुजो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती है या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तथा सन परीक्षित के तांबे के तारों को इससे निविष्ट कर दिया। तभी उसकी मां ने उसे बुला लिया। वह आलू में निविष्ट किए गए सन परीक्षित के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई ऐसा धब्बा नहीं था। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहली के साथ इस क्रियाकलाप की कई बार दोहराया। उसने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा होता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल को पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। उन्होंने पाया कि विद्युत धारा आलू के एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज की कर रहे होते हैं और आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार की है। आज हम इतना ही रखेंगे बच्चों, कल हम विद्युत लेपन के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो करना है वो ये है, 14.5 और 14.6 क्रियाकलाप को दोहराना है। उसको 14.5 और 14.6 क्रियाकलाप 14.6 और 14.6 के दोनों आलू वाला और बैटरी के सेल वाला और एक 14.3 क्रियाकलाप को दोहराना है। मैं चित्रों के ये आज का आपका होमवर्क हुआ। कल विद्युत लेपन के बारे में अपन पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अच्छो यहीं तक रोकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को शीघ्र अतिशीघ्र प्रोजेक्ट शीट खरीदनी है। जिसने खरीद लिए वो ठीक है, जिसने नहीं खरीदी है तो तुरंत खरीदें और इसे भर करके विद्यालय में जमा कराएं। कल तक के लिए आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।